अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, यहाँ जो है ना, मैं जा रही थी कलर लेने, क्योंकि आज मेरे क्लाइंट थे वो ज़्यादा थे। एक मेरा था डाई का क्लाइंट, मुझे डाई करनी थी, उनके कट डाउन करना था, और कट डाउन करके उनको कलर जो उन्होंने कहा था वो कलर देना था। तो मैंने कहा चलो लेके आती हूँ। हानी से मैं गई थी, हानी आप मेरे साथ कलर लेने चली हो, बट हानी कहनी मैं नहीं जा रही, क्योंकि एक तो धूप भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से ना जैसे डस्टी वाला वेदर नहीं है तो वो हो रहा था, जिसकी वजह से ना हानी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। हानी को कफ और गले में बहुत ज़्यादा पेन था, फीवर हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ। अच्छा, मैं गई थी करीमाबाद पे है अजीज़ भाई की शॉप ना, तो कराची पर मैं जो रहती हूँ उनको पता होगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से आपको ना बहुत अच्छे कलर मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ, बहुत अच्छे इनके पास यानी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, और हर ब्रांड के कलर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैं इन्हीं के शॉप से ज़्यादातर परचेज़ करती हूँ कलर। मैं ना तो मुझे लेने थे दो तरह के कलर लेने थे, यानी एक गार्नियर के, आपने देखा होगा पाउच वाले जो आते हैं, 99 के जो आते हैं, 100 में 1 रुपीज़ कम वाले, वो कलर मुझे लेने थे। वो इनकी शॉप पे इजी अवेलेबल होते हैं, और हर यानी उसमें डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन सारे कलर्स आते हैं। वो मेरी आज क्लाइंट आना था, उसने करवाना था, और ये जो मैं सिल्की वाले जो कलर देख रही थी, ये मेरी दूसरे दिन क्लाइंट आनी थी उनके लिए, मैं उनका कट डाउन वाला देख रही थी। मुझे कट डाउन करके उनके पूरे बालों में वो कलर अप्लाई करना था, तो यहाँ मैं चूज़ कर रही थी कि कौन सा कलर लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कलर बता दिया था कि उनको थोड़ा सा रेडिश टोन में चाहिए था। यहाँ कलर जो है ना मैंने चूज़ कर लिया था, फिर मैं देख रही थी कि क्या क्या रेंज है। मैंने कहा चलें जी वीडियो बना लेते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं कि इनके शॉप पे हर चीज़ अवेलेबल है, फैशियल के सारे किट्स, इन जो भी आप किट लेना चाहो, बहुत बड़ी बहुत अच्छी शॉप है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल थी, मेकअप से रिलेटेड है। और आप ये देखिए कट डाउन, और ये नीचे जो है कैरेटिन स्मूथ, और ये सब कुछ रखे हुए थे यहाँ। और कलर जो मैंने चूज़ किया था ना, तो वो मैं उनको कह रही थी यहाँ सब आप ये हटा लो, कहने के कौन सा कलर चाहिए, मैंने कहा ये वाला कलर चाहिए, कहने के चलना चट के मैं आपको ला के देता हूँ। तो उन्होंने कलर मुझे ला के दे दिया था। मैंने उनसे मंगाए थे दो कलर और दो डिवेल्पर, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट उनके बाल जो थे हल्दी थे तो लेंदी भी थे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं लेके आता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने कलर जो है वो परचेज़ कर लिया था, और क्लाइंट जो थी ना उनकी कॉल भी आ गई थी कि मैं आ गई हूँ, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाएं। उनको ना गार्नियर के कलर नहीं मिल रहे थे, उनको अपना वन डाई करवाना था। मैंने जो आपको बताया था गार्नियर के 99 कलर जो हैं, 99 रुपीज़ वाले, मैं वो दो कलर लेके आई थी खरीद के इनके लिए। और यहाँ मेरी क्लाइंट आ गई थी घर पे, तो कहेंगी पहले आप मेरे बालों की कटिंग कर दें। मैंने कहा चलें ठीक है। इन्होंने करवाए हैं लेयर्स, फ्रंट जो है मैं लेयर कट कर रही थी, तो इन्होंने कहा मेरी लेयर्स कट कर दो, और पीछे के मैंने स्टेप दिए थे, तो मैंने कहा इनसे पूछ रही थी कि आपको कहाँ तक कट चाहिए, कट चाहिए। कहेंगे अच्छा मैं जल्दी से आई, जल्दी से आके। हानी भी बहुत तंग कर रही थी आज, कह रही थी मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आप कोई क्लाइंट नहीं लो, कुछ नहीं करो। मैंने कहा बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ था इनको, इसलिए आज हानी को यूनिफॉर्म भी देखे, पीछे हैंग ओवर, और हानी को स्कूल जाना था, बट हानी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हानी आज स्कूल भी नहीं गई, ऑफ किया हानी ने। और हानी के स्कूल में ना कोई कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, तो हानी का आज मिस हो गया। हानी बहुत सैड थी कि मम्मी मेरा मिस हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तबीयत ठीक होगी तो जब भी आप जाओगी, क्योंकि स्कूल में बच्चों का टेम्परेचर भी चेक होता है, तो हानी को टेम्परेचर था। तो मैंने कहा हानी नहीं आप नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ मैं जल्दी जल्दी इनकी कटिंग कर रही थी, कटिंग कर लूँ तो मुझे हानी को बना के देना था सूप, क्योंकि हानी का गले में थोड़ा सा पेन ना, इसलिए मैंने कहा चलो मैं सूप बना के देती हूँ। आपको पता है हानी सिलेक्टेड चीज़ें खाती है, तो इसलिए मैंने कहा हानी सूप पिएगी, थोड़ी ताकत भी आएगी, गलों को सुकून भी मिलेगा। और यहाँ पे ये जो मैं आपको गई थी ना 99 के, ये वाले कलर थे, ये देखें गार्नियर के जो मैं निकाल रही हूँ, तो उन्होंने कहा जल्दी से आप मेरे बालों में कलर भी अप्लाई कर दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है जी मैं कलर भी अप्लाई करती हूँ। मैंने ये दोनों जो पाउच हैं ये सब कुछ निकाल लिए थे, इसमें एक जो दिया ना इन्होंने 20 वॉल्यूम दिया हुआ था, और एक में जो जैसे एक में डेवलपर था और एक में कलर था, इस तरीके का था, और मैक्सिमम इतना था कि छोटे शोल्डर तक के बाल जो होते हैं ना वो ईजिली हो सकते हैं इसमें, और उससे नीचे जितने बाल जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से होंगे। देखें इतना था, मैंने दोनों कलर निकाल लिए थे। अच्छा जी, अब मैं इनके बालों में कलर लगा रही थी, तो मैंने कहा वीडियो को करती हूँ एंड ना यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद मैं कलर अप्लाई करूँगी, फिर मुझे हानी के लिए सूप बनाना है, बहुत सारे काम थे, और उसके बाद मेरा था मेकअप के क्लाइंट आने वाले थे, इसलिए वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।